उत्तरकाशी सिलकेरा टनल में पिछले 7 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। मजदूर कब तक सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे यह बताने में अभी कोई भी सक्षम नजर नहीं आ रहा है। कोशिशें जारी हैं, लेकिन परवान चढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा कुछ पता नहीं। इस बीच श्रमिकों के कुशल रेस्क्यू कार्य के लिए अब पूजा पाठ हवन यज्ञ का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों ने टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षित रेस्क्यू के लिए विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। इसके बाद यहां महामृत्युंजय जाप सहित हवन भी संपन्न हुआ। धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से टनल के अंदर 41 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू कार्य में लगी तमाम एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे प्रयास भी लगातार असफल ही साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज बाबा भोलेनाथ माँ शक्ति उत्तराखंड में निवास करने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं से यह प्रार्थना की है कि टनल में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल आएं। तो हमारी 41 श्रमिक जो चिलकेरा टनल में 7 दिन से फंसे हुए हैं, उनकी जीवन रक्षा के लिए, उनके जीवन होने के लिए तो बाधाएं आ रही है। हम चाहते हैं इस यज्ञ के द्वारा भगवान सना से प्रार्थना करें कि उनको सकुशल बाहर निकालें और पूरे उत्तरकाशी जनपद नहीं, उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष के हमारे ये श्रमिक मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके प्रति हमारी बहुत ज़्यादा संवेदना है और हम चाहते हैं भगवान विश्वनाथ जी अपनी कृपा करें और उन लोगों को 41 लोगों को टनल से बाहर सकुशल निकालें, क्योंकि वहाँ विघ्न बाधाएँ बहुत आ रही है। अमेरिका से जो मशीन आई है वो बीच में खड़ी हो गई, अब आज इंदौर से पश्चिम आ रही है, जिससे उससे नया जो उपचार है, भगवान ऐसा करें चमत्कार दिखाए कि वो मशीन सक्सेसफुल हो और हमारे श्रमिक जो है बाहर निकले।